to all, welcome to our channel. Today we are going to discuss about steps of research design. Okay, so as you all are know कि हम research methodologies जब पढ़ते हैं तो हमें इसमें research design एक topic पढ़ना पड़ता है और without steps हम इसे नहीं समझ सकते ना ही पढ़ सकते हैं. आप कोई भी research करते हैं या फिर आप थीसिस बनाते हैं, डिसर्टेशन बनाते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हैं, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. उन्हीं स्टेप्स को देखते हुए ही आपकी रिसर्च कंप्लीट होती है. तो मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं स्टेप्स के बारे में बताने जा रही हूँ. ये वीडियो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही यूज़फुल होने वाली है. सो जो भी लैंग्वेज से आप रिलेटेड हैं, यू कैन वॉच दिस वीडियो. ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब अपनी वीडियो को. सो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन रिसर्च डिज़ाइन. वैसे तो जो मैंने आपको ये स्टेप्स बताए हैं, ये सबसे मेन स्टेप्स हैं. इसके अंदर भी आपको कई किसी में सब पार्ट्स भी देखने को मिलते हैं, तो वो मैं आपको बताती जाऊँगी, बट मैंने उन्हें यहाँ मेंशन नहीं करा हुआ है. चलिए, सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम. हम कोई भी रिसर्च करने जा रहे होंगे तो हमें सबसे पहले किस प्रॉब्लम पर रिसर्च करनी है ये तो हमें पता ही होना चाहिए ना. अगर आप कोई भी रिसर्च करते हैं, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो व्हाई आप अब क्यों रिसर्च कर रहे हैं, है ना. तो हमारे पास सबसे पहले एक जेन्युइन प्रॉब्लम होना चाहिए जिस पे हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं रिसर्च करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हमें एक ऐसी प्रॉब्लम लेनी है जिस पर पहले से या तो मान लो रिसर्च अगर हो रखी है तो उसमें से कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर छूटा होगा जो आप कवर कर रहे हो, या फिर आप कोई नई चीज़ ही खोजने जा रहे हो, तो वो हमारी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम होती है. और प्रॉब्लम हमेशा हमें ऐसी चुननी चाहिए जिसके बारे में हमें कंटेंट मिल जाए, प्लस जिसके बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं. क्योंकि अगर हम उससे उस टॉपिक पे इंटरेस्टेड ही नहीं है तो हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. ठीक है, सेकंड इसका जो स्टेप होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव. ठीक है, किसी भी रिसर्च में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल से क्लियर होना चाहिए. ठीक है, विदाउट अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर ही नहीं है कि हमें किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है या हमें क्या करना है, तो हम अपनी रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा सकते. थर्ड वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिव्यू द लिटरेचर. हमें लिटरेचर रिव्यू करना है. अब ये कौन सा लिटरेचर हम रिव्यू करेंगे, तो हम वो लिटरेचर रिव्यू करेंगे जो कि हमारी प्रॉब्लम से, जो कि हमारी रिसर्च से एसोसिएटेड होता है. मतलब मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक ले लिया, मान लीजिए आपने माइग्रेशन प्रॉब्लम ले ली अपने रिसर्च पे, तो आपके रिसर्च करने से पहले बहुत से ऐसे रिसर्चर्स होंगे जिन्होंने माइग्रेशंस पर कुछ ना कुछ डेटाज पब्लिश किया होगा, या अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करी होगी, या फिर लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं. तो उस माइग्रेशन का बैकग्राउंड जानने के लिए आप क्या करेंगे, जो ऑल रिसर्च उस पर हो रखी है उसके लिए आप क्या करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे. आगे हमारा आता है हाइपोथेसिस. अच्छा, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? सो हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट और अजम्पशंस जिसमें आप क्या करते हैं, अपनी रिसर्च आपको आगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसको आप पहले से सोच लेते हैं. मान लीजिए मेरा टॉपिक था कि माइग्रेशन की प्रॉब्लम जो हो रही है आजकल यूथ में, वो रूरल टू अर्बन मूव ज़्यादा कर रहे हैं बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट. तो अनएम्प्लॉयमेंट मेरी क्या है, हाइपोथेसिस हो सकती है. बट एक और चीज़ है, यह हाइपोथेसिस करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, ये हमारी रिसर्च हमें बताएगी लास्ट में. तो जो ये हाइपोथेसिस मैंने क्या किया, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट दिया कि वो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बट क्या पता जब मैं रिसर्च करने जाऊँ तो वो दूसरी ही चीज़ हो, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो उनका माइग्रेशन करने का रिजल्ट. समझ रहे हैं ना आप? ओके, चलिए. सो फाइव हमारा आ जाता है रिसर्च मेथड्स. अच्छा, व्हाट इज़ रिसर्च मेथड्स? मान लीजिए आपको कोई रिसर्च करनी है ना, तो आपको कोई ना कोई मेथड तो यूज़ करना ही है. कि आपको प्रोबेबिलिटी यूज़ करोगे मेथड, या फिर सैम्पलिंग यूज़ करोगे आप, या पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन करोगे, या नॉन पार्टिसिपेशन इंटरव्यू करोगे, स्केड्यूल दोगे, क्या दोगे, तो कोई ना कोई मेथड्स यू कैन फॉलो, है ना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेटा कलेक्शन. डेटा कलेक्शन, डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा हो, सेकेंडरी डेटा हो. प्राइमरी डेटा वो होता है जो रिसर्चर
खुद से कलेक्ट करता है, रिसर्चर कलेक्ट बाय इट सेल्फ या फिर योर सेल्फ, बट जो सेकेंडरी डेटा होता है वो क्या होता है, जो पहले से कलेक्टेड डेटा है और हम उसे रिव्यू करते हैं, अपने रिसर्च में यूज़ करते हैं, तो हम डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। अब हम यह फील्ड व्यू कर रहे हैं, बुक व्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारी रिसर्च पर डिपेंड होता है। तो डेटा कलेक्ट करना इज़ वेरी बिग डील। आफ्टर वी कलेक्ट द डेटा हम क्या करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे। व्हाट इज एनालाइज, एनालाइजेस, इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमने डेटा लिया है ना उसको हम क्या करेंगे पूरा उसको। मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को एडिट करेंगे। आफ्टर द एडिटिंग हम क्या करेंगे, उसको क्लीन वगैरह करेंगे, फिर टेबल बनाएंगे, टेबल टेबुलेशन करेंगे। टेबुलेशन बना लिया हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, फिर या फिर हम उन्हें सिम्बल्स में कुछ सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं। जो भी हम चीज़ें करते हैं सब डेटा एनालिसिस में आता है। उसके बाद हम डेटा को क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने के बाद लास्ट में हम रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग हमारा रिजल्ट होता है, हम उसमें ये बताते हैं कि हमने जो रिसर्च किया है वो कौन सा रिसर्च है और उससे हमें क्या रिजल्ट मिला है, हमने रिपोर्ट करनी है अपनी। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो हम रिसर्च डिज़ाइन में फॉलो करते हैं, ठीक है। ये कुछ 9 स्टेप थे जो कि मैंने आपको बताई है। चलिए अब हम हिंदी वालों के लिए भी मैंने कुछ कंटेंट रखा है कि अनुसंधान के चरण क्या हैं। वैसे तो मैंने सब कुछ आपको समझा ही दिया है, हिंदी वाले हों या इंग्लिश वाले हों, बट हिंदी वालों को टर्म्स को समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने टर्म्स को यहाँ पर ट्रांसलेट कर लिया है। चलिए एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम समस्या को खोजेंगे, उसके बाद हम उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे, उसके बाद हम संबंधित साहित्य का अध्ययन करेंगे, फिर हम उपकल्पना का निर्माण करेंगे जो कि अस्थाई होती है, ध्यान रखिए। फिर हम अनुसंधान की विधि निर्धारित करेंगे, उसके बाद हम अपने डेटा या स्रोतों को संग्रहित करते हैं, फिर डेटा का संपादन करते हैं, फिर डेटा का विश्लेषण करते हैं, लास्ट में हम नियमों का प्रतिपादन करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आप इस वीडियो को एक दो बार जरूर देखिएगा। आपको रिसर्च डिज़ाइन के जो स्टेप्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।